जंगली हाथी का आतंक लगातार सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से। दो दिन पहले गेरदा के चांदसा इलाके में एक महिला की जो है बुरी तरीके से कुचलकर जंगली हाथी ने हत्या कर दिया। महिला 81 वर्ष की थी जो कि जंगल में महुआ चुनने के लिए गई थी। मेरे पीछे देखेंगे तो ये वही जंगल है जहाँ पर वो महुआ चुन रही थी और उसी वक्त जंगली हाथी अचानक आ जाता है और उसे दौड़ाकर कुचलकर मार डालता है। क्या नाम है आपका? सुदीप जजा। गांव? चांदसा है। दादी के साथ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हाथी ने देहांत कर दिया। अच्छा, क्या करने जंगल में? जंगल में क्या करने गई थी? जंगल में महुआ भी चुनने। अच्छा, घर में कौन कौन है? उनके बेटे कितने हैं? दो बेटे हैं। तो दादी का नाम? बिरसी जजा। अच्छा, कितना बजे घटना हुआ और कैसे हुआ? 7:30 बजे लगभग। सुबह में अकेले गई थी? अकेले गई थी, फिर बाकी लोग गया था जो चारूर तोड़ने, वो लोग देखा। तो अगल बगल कोई उस समय नहीं था? अगल बगल नहीं था, चार ऊपर तोड़ने के लिए चढ़ा था, वो लोग देखा। अच्छा, कि मतलब हाथी कुचल दिया? जी हाँ। और हाथी को आप लोग देखे थे क्या? वो लोग देखा था, जो तोड़ रहा था वो लोग देख रहा था। अच्छा, उसके बाद आप लोग गए? जी हाँ। कितना बेटे हुए उनके? दो बेटे हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? वो लोग वही चासी करते हैं, खेती बाड़ी का। जी हाँ। तो आप लोग को पता था कि इधर हाथी आ चुका है? नहीं पता था। पता ही नहीं था? नहीं था। अच्छा, ठीक। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया होगा हमने कि पोसोर में दिन दहाड़े जंगली हाथी पहुंच गया था। उसके बाद उधर से बड़का डुइल से होते हुए नवागांव तक लगातार एक साथ 3 घरों को नुकसान पहुंचाया और वही जंगली हाथी जो है इधर जंगल में आते हुए उस महिला को कुचल डाला है। लेकिन आखिर इस हत्या का जिम्मेवार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि उस जंगली हाथी को आखिर रोका क्यों नहीं जा रहा है, आखिर क्यों वन विभाग कर्मियों के द्वारा खामोशी से ये तमाशा देखा जा रहा है। लोगों को ये भी पता नहीं होता कि जंगली हाथी कहाँ पहुँचा है, किस जगह पे है, और यही वजह है कि लोग उतने सतर्कता नहीं बरत पा रहे हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जान गंवानी पड़ रही है। यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि हम रात में सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जंगली हाथी उनके घरों को नुकसान ना पहुँचा दे। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो शनिवार के दिन जिस तरीके से जंगली हाथी द्वारा हत्या की गई, उसके बाद और एक गांव है बगल में ही, वहां पर कल जो है घर को तोड़ा गया है। वहां पे भी जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जंगली हाथी बानों में आतंक मचाए हुए हैं। बताया जाता है 3 जंगली हाथी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र जंगली हाथी को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो देखा जाए तो हुरपी के क्षेत्रों में भी उस दिन जो है एक साथ 5 घरों को निशाना बनाया और आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है घरों को अपना निशाना बना रहा है। अब महुआ का समय है, गांव के ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जाते हैं जंगलों में, और जंगलों में जंगली हाथी इस तरीके से खुलेआम घूम रहा है जिससे आने वाले समय में भी कई लोगों की जानें जा सकती है। वन विभाग की तरफ से क्या मदद दिया गया तत्कालीन मदद तौर पर? जो ये पोस्टर तरफ से दिया था रजिस्टर, हाँ जी हाँ, वो 10,000 दिया था। अच्छा, और क्या बोले आगे? वो जो अपना रीति रिवाज जो क्रियाक्रम है उसका सुविधा करने के लिए बस उतना ही दिया था 10,000। और आगे क्या बोले? फॉर्म भरवाए? फॉर्म भर के लिए है, बाद में और कुछ मिलेगा बोल के बोला।